Triple S Writing with Sana Snala. Hope you are fine and doing well. Today I am back with a new video. Hope you like. So let's start it. Today I am going to show you what's in my bag as a teacher. This is my look which I carry today. तो उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आएगी. तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो सबसे पहले जो आज का दिन मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमने दुआ की थी. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ था कि स्कूल मतलब ओपन हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मतलब रात को नोटिफिकेशन और हमने दुआ की और मैंने कहा था नुकसान ना हो हर्ज ना हो, तो उसके फ़ौरन बाद ही पता चला कि जी आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं. नोटिफिकेशन आ गया, मैसेज वगैरह आ गए, तो रेडी शेडी हो गए, तैयारी शेडी. तो मैंने कहा तो आज भी अच्छा दिन गुजर गया. तो वही बैग वगैरह पैक किया था, हर चीज़ वो चीज़ें अंदर एडिशन मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि मैं दिखाऊंगी ज़रूर. और मुझे कमेंट भी आया था कि आप अपना स्कूल बैग दिखाएं कि जो आप कैरी करती हैं एज अ टीचर. तो मैंने फ़ौरन मैंने कहा कि आज वही टाइम आ गया, वही दिन है, तो मुझे दिखाना चाहिए. तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. सबसे पहले दिस इज़ माई बैग. तो ये छोटा सा बैग है, लेकिन इसे छोटा नहीं समझे, इसमें बहुत कुछ अंदर रखा हुआ है, बहुत कुछ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह. तो लेकिन सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं. तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी डायरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसकी साइड पे मैंने यहाँ पर रखा हुआ ये मास्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज अ टीचर और आजकल जितने भी हालात चल रहे हैं उस दौरान ये आपके पास मास्क बहुत ज़रूरी होना चाहिए. सैनिटाइजर और मास्क आप मस्ट यूज़ करें क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस. तो देयर फॉर वी शुड नीड. तो व्यूअर्स ये देखें डायरी और मास्क सबसे पहले और ये बैग. अब जो इस बैग के अंदर है वो भी शुरू करते हैं दिखाना. तो सबसे पहले देखें व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें निकला ये मेरा पाउच वॉलेट जो जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था. इसमें थोड़ी कैश होती है, कार्ड्स वगैरह होते हैं, जो आईडी कार्ड वगैरह या जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें तो ऑलरेडी इसमें पता होता है कि ज़्यादातर आपके पास होते हैं मनी वगैरह हो गई या कार्ड हो गए, कुछ भी इस तरह यूनिक कार्ड हो गया, कॉलेज कार्ड हो गया, इस तरह मेरे पास इसमें भी चीज़ें कुछ खास नहीं है इसमें. तो ये देखिए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ज्वेलरी या एक पाउच ही एज अ ज्वेलरी भी बोल सकते हैं, पाउच भी बोल सकते हैं, जो कि इसमें जितनी भी ये एसेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वियर. तो एज अ टीचर ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए. मतलब इसमें रेड पेन है, रेड इंक है, और अक्सर मतलब मैं आपको बताया हुआ ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसमें काफ़ी ये चीज़ें हैं सारी. ये देखो ये बॉल पेन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. उसके बाद ये जितने भी बोर्ड मार्कर वगैरह हैं, चाक वगैरह नहीं यूज़ करते हम. बोर्ड मार्कर मतलब हमारा वाइट बोर्ड होता है उस पर बोर्ड मार्कर यूज़ करते हैं. ब्लू कभी यूज़ कर लिए, कभी ब्लैक यूज़ कर लिए, तो कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा रेड, तो जो मतलब पूरा डेकोरेट किया हो रेड से और ब्लू के साथ कंट्रास्ट करते हैं, तो इस तरह ये होता है. कुछ पेंस वगैरह भी, कुछ लेड पेंसिल वगैरह, ज़रूरत की चीज़ें आपने वर्ड्स मीनिंग लिखने या कुछ भी आपने करना, तो उस लिहाज से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस पाउच में हैं. तो अब व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इसमें कुछ ज्वेलरी की चीज़ें हैं, जैसे टॉप्स वगैरह हो गए, जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया थे स्टॉक वगैरह या कोई ब्रेसलेट वगैरह या इस तरह कुछ. ये देखिए इतना प्यारा सा ये मीन बॉक्स, इसमें ये मुझे बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि अक्सर मैं सुबह लेट ही हो रही होती हूँ और मैं कह रही होती अच्छा नहीं रहने दो घर जब पहनूंगी छोड़ दो फिर वहाँ पर मुझे टाइम मिल जाता है अक्सर. तो असम्बली के बाद या असम्बली से पहले या जब भी कुछ ना मतलब टाइम हो तो फ़ौरन मास्क भी लगाती हूँ, साथ टॉप्स वगैरह पहन लेती हूँ अगर ज़रूरत हो. अक्सर आजकल तो मतलब रमज़ान है, इतना कोई नहीं ज़रूरी होता दुपट्टा सेट किया मास्क पहना, तो ये बस इतना ज़रूरी नहीं होता ना ही मेकअप वगैरह भी इतना, लेकिन फिर भी ये होना चाहिए. बैग में होता है मेरे, मुझे अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है. टॉप्स मुझे बहुत पसंद है और मुझे कुछ पसंद हो या ना हो. ओके वेयर्स नाउ आई विल शो यू प्रोटीन्स विच आई यूज़ एज अ स्नैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखें इसमें पिस्ता बादाम जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, ये ड्राई फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है, तो अक्सर मैं स्नैक्स के तौर पर इन्हें इस्तेमाल करती हूँ. मतलब आप कुछ चिकन वगैरह या कोई कैंडीज वगैरह खाने के बजाय आप ये खा लें, कैंडीज से ऑलरेडी मतलब ये जुकाम वगैरह ख़राब हो जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं तो फिर खुद भी तो नहीं ना खाने चाहिए, तो इसलिए उनको भी गाइड करें कि आप ही ये चीज़ें खाएँ और हमें भी मतलब खानी चाहिए. और ये बहुत अच्छे होते हैं, ये जो मेंटल लेवल और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है इनको खाने से, तो ये मस्ट होने चाहिए बैग में. ज़रूरी मतलब आज का तो रमज़ान है, ज़रूरत नहीं होती, तो अभी तो देख के भी इतना मज़े की चीज़ और देखिए सब्र है कि मतलब खाया नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है जब हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह इतना सब्र दे देते हैं इतना सारा कि हमारे पास इतनी मतलब हमारी मज़े की हमारी फेवरेट चीज़ भी हो तो हम नहीं खाते. तो
अब मैं व्यूअर्स आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, जब भी हेयर ड्राई हो जाए तो फौरन आपने करना है। और ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास है, मतलब टोनर एज अ टोनर मैं इसे यूज करती हूँ जल्दी से जब भी टाइम मिला। यहाँ बैक टू बैक इतने पीरियड्स होते हैं तो मतलब अच्छा इस क्लास में ऐसे तो एकदम आप अगर आप स्टाफ रूम में आई आपके पास बैग है तो आपने फौरन ऐसे किया स्प्रे और फ्रेश हो गए बिल्कुल, आईज भी फ्रेश फेस भी फ्रेश। तो बस ये फ्रेशनेस के लिए और टोनर ऐसा मैं यूज़ करती हूँ मस्त, ये मेरे बैग में कोई क्रीम वगैरह कोई मतलब इस तरह नहीं, जस्ट ये हो तो ये मैं यूज़ करती हूँ मस्त। ओके व्यूअर्स, नाउ आई विल शो यू हेयर कॉम एंड मिरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, तो ये मैं मस्त रखती हूँ क्योंकि अक्सर आपके बाल खराब हो जाए तो आप इस तरह अपने बालों को सुधारना ही नहीं कि मैं करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया ठीक है। ये दोनों चीज़ें हैं व्यूअर्स, इसके बाद दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ मेरे पास फ्लावर्स कुछ फूल मतलब स्टार्स वगैरह इकट्ठे होते हैं, जब भी बच्चों को अप्रिशिएट करना हो या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनके मतलब आप नोटबुक पे या जो आपका वर्क है आप उस पे रख मतलब बिल्कुल इन्हें अटैच कर दें, स्टार्टर्स कर दें, या आप इन्हें ग्लू के साथ या किसी भी वो जो ग्लू स्टिक वगैरह के साथ आप उसको जोड़ दें, ताकि वो बच्चा इतना खुश होता है, एक तो उसे अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है और ऊपर से जब वो घर जाकर दिखाते हो और ज़्यादा नेक्स्ट बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं मस्ट यूज़ करती हूँ इन फ्लावर्स को, इन मतलब ये जो स्टार्स वगैरह हैं जो भी है पसंद आए मुझे तो मैं उनको ज़रूर उनकी नोटबुक पे या उस पेज पे मस्त लगाती हूँ, आप भी ऐसा करें तो मैं तो ज़रूर करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भी इसमें कुछ ना कुछ जब ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो नहीं बना कर रखती हूँ इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपने परसेंटेज वगैरह निकाली हो या कुछ भी आपको मैथ वर्क करना हो तो अक्सर आपने मंथली रजिस्टर रेडी करना होता है, उसको सारा कुछ करना होता है तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फिर आप हर जगह अच्छा ये दे दो स्टूडेंट से मांगा, स्टूडेंट से मांगा, डैट्स नॉट गुड। गाइस आई हैव दिस कैलकुलेटर, मैं आपको दिखाती हूँ ये सीजर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, जब आपने कोई स्टार काटना हो या जैसे फ्राइडे को स्पेशल डे होता है उस दिन हम मतलब अक्सर उनको क्रॉन वगैरह या कोई भी स्टार वगैरह या उनका स्पेशल डे होता है उनकी परसेंटेज वगैरह या उनकी मतलब अटेंडेंस अच्छी होती है तो हमने स्टार्स बना के उनके यहाँ पे लगाते हैं अक्सर टाई के साइड पे या फिर यहाँ पे मतलब जो पॉकेट होती है वहाँ पे या साइड पे लगा देते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीजर वगैरह अक्सर सीजर भी मांगना अच्छा तो नहीं है ना, मतलब ये सीजर है तो दे दो, मैंने फूल कट करना, मैंने स्टार कट करना है, मैंने क्राउन बनाना, तो इसलिए अच्छा है कि आप अपने पास खुद रखें। दूसरी चीज़ें तो अगर स्कूल वाले कर देते हैं अच्छा चार्ट वगैरह जो भी है वो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके पास एसेंशियल होनी चाहिए वो ज़रूरी होती हैं तो मेरे पास भी ये है। अब मैं आपको दिखाती हूँ व्यूअर्स ये स्टिकी नोट्स, ये बहुत ज़्यादा ये स्टिकी मतलब अक्सर आपको कोई चीज़ भूल जाती है या आपने फ़ौरन नोट करना होता है तो आप इसे नोट करके अपनी डायरी पर फ़ौरन ऐसे स्टिक कर लें या फिर इसे क्लास में ले जाएँ अपनी ज्वाइंट्री बॉक्स में जो आपकी ज़रूरी ज्वाइंट्री है उसमें रख लें, तो जो कोर्स मैंने दिखाया मार्कर वगैरह पेंसिल्स वगैरह वाले उसमें अभी रख दें, अभी ये ख़त्म होने वाला नया ले लूँगी आप, लेकिन ये बहुत प्यारा सा बहुत डिसेंट सा कलर है और ये देखिए इतना ही स्टिक का, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ भी नोट कर लेती हूँ, इसे अपनी डायरी पर फौरन मैं अच्छा आज मैंने ये लिस्ट रेडी करनी है या हमने ये काम करना है तो फौरन मैं इसे यहाँ पर रखती हूँ। डायरी बार बार कहीं ना कहीं आप ले कर नहीं जा सकते, भूल भी सकते हैं उस क्लास में रह जाती आप लेने जाएँ, टाइम वेस्ट करना है तो इसे टाइम वेस्ट इज नॉट गुड, सो आई हैव दिस स्टिकी पेपर्स आई यूज़ दैम। Okay, guys, now I am going to share with you lipsticks. तो व्यूअर्स ये रमजान में जरूरत नहीं होती लेकिन बैग में तो होनी जरूरी है कि मतलब जरूरी है व्यूअर्स, ये मैं मस्त रखती हूँ बैग में अक्सर एज अ टीचर बींग अ टीचर मतलब आपके पास ये मस्त होनी चाहिए, तो ये मेरे पास ये मेरी फेवरेट वाली है, ये मेरे पास ऑलरेडी होती है, ये देखो ऑरेंज पिंकी भी है और ऑरेंज बिल्कुल लिप ग्लॉस आई डोंट लाइक। अभी ख़त्म हो गया व्यूअर्स, इसमें ये टाई है हेयर टाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर आपके बाल अगर आपके मतलब खुल गए हैं या आप चाह रहे हैं कि गर्मी लग रही है या कुछ भी सर महसूस हो रहा है तो आप बालों को टेल बना सकते हैं या इस तरह उनका हेयर टाई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे पास है एक ही होती है अक्सर मैं मतलब इस कलर की या मैचिंग रख लेती हूँ साथ ही। तो अब मैं दिखाती हूँ व्यूअर्स अंदर से तो ख़त्म हो गया कि जो था वो मैंने सारे निकाल दिया, तो अब जो साइडों पर है वो देखते हैं क्या है। इस साइड पे ये देखें मस्कारा, आई जस्ट लव मस्कारा एंड ये देखें ये वो लाइनर है आई लाइनर भी बोल सकते हैं, ये दोनों काम करते हैं लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मस्कारा, बहुत मज़ा अच्छा ये बिल्कुल पसंद है। छोड़े व्यूअर्स ये तो हो गए दोनों चीज़ें,
ये लिप बाम मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो आप मस्कीने यूज़ करें। और वैसे भी आजकल आप जब रमज़ान में रोज़े रख रहे होते हैं तो आपके लिप्स इतने ड्राई हो चुके होते हैं, तो ये ज़रूर होते हैं। और ऑलरेडी मेरी ड्राई होते हैं, मेरी स्काई मतलब मेरी स्किन नॉर्मल है, ड्राई भी है, मतलब कम्बिनेशन है, नॉर्मल है, इसलिए मुझे ज़रूर ज़रूरत होती है ये इसकी, तो इसलिए मैं इसे ज़रूर रखती हूँ लिप बाम। इसके बाद बियर्ड मैं आप दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ हेयर पिंस है मेरे पास, सेफ्टी पिंस है, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाल वगैरह सेट करने हैं, आपने दुपट्टा सेट करना है या हिजाब करना है तो आपके पास ये ज़रूर सेफ्टी पिंस या बॉबी पिंस वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये बहुत एसेंशियल है। मैं इन्हें ज़रूर रखती हूँ अपने बैग में। ये देखिए एक गोल्ड मार्क्स है, ये साथ साइड में ज़रूर एक गोल्ड मार्क रखती हूँ। और इसके साथ ये टिशू है, कुछ टिशू की ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन होने चाहिए, तो ये दोनों साइड चीज़ें मैं इस साइड पर रखती हूँ। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि ये जो बैग था, जितनी इसमें चीज़ें थी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसी तरह मिलती रहूँगी नई नई वीडियोज़ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि यू जस्ट लाइक आई लव माई बैग। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप भी रखें, मैं भी कोशिश कर रही थी ये चीज़ें मैं इसी तरह यूज़ करती रहूँ, मेरे बैग में होती रहे, आपने भी इसी तरह अपने बैग में रखनी है। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।